जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बेतिहाता चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों एवं लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया और बुलडोजर के द्वारा नाले पर हुए कब्जे को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और साथ ही साथ चालान भी किया गया, जिसके संबंध में अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एक माह का अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को बेतिया से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी तक रोड के दोनों तरफ नगर निगम की जमीन पर लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उनको पहले से सूचना देकर हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी चेतावनी दिया गया है कि इस प्रकार से कोई अतिक्रमण किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा और जो भी दंडनीय कार्रवाई होगा किया जाएगा। इस अवसर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे ने कहा, सड़क के दोनों तरफ जो भी अतिक्रमण किए हैं, अवैध छज्जा, सीढ़ियां, स्लैब, ये तत्काल आप लोग हटा दें और अनावश्यक अतिक्रमण कभी भी भविष्य में ना करें, जिससे कि रोड बाधित हो और चलने वालों को परेशानी हो। रामजय अपने आदमी ला, उसको उठवा लो तुम। वो एक जो टेबल है और एक वो गाड़ी बुलवा लो, आप बुलवा लो, आप बुलवा लो, आप उनको बताए गवर्न थोड़े नहीं ₹888 कितना किया सर? 2000 कर। अरे सर 8000। अरे बोला, अरे 200 रुपए का काट दीजिए सर। नहीं नहीं सर, आप ही वाला जो एजीएम साहब से बात करो, एजीएम साहब से बात करो, हाईलाइट में करो, सामान मलबा निकाला पहले, सामान अंदर करो और सर करो, सभी लोग तत्काल सामान अंदर कर लीजिए अपना अपना, समय नहीं है। Yeah.
के सुचारू रूप से गोरखपुर में करने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक माह का एक कार्यक्रम उनके निर्देश में बनाया गया था और उसी निर्देश के अनुपालन के क्रम में आज बेतिया हाता से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर चौकी तक दोनों तरफ नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण करके यातायात को परेशान करने के नियत से जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनके अतिक्रमण को आज पहले से पूर्व सूचना दे करके हटाया जा रहा है। जो लोग अपने से हटा ले जा रहे हैं उनके लिए स्वागत है और जो लोग अपना नहीं हटा पा रहे हैं उनको जेसीबी मशीन द्वारा क्लियर कराया जा रहा है तथा भविष्य के लिए भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्होंने इस प्रकार पुनः कोई किया तो अतिक्रमण किया तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और फिर से जो दंडनीय कार्रवाई है वो कार्यवाही भी की जाएगी। इसी के क्रम में आज जो बेतिया हाते चौराहे पर फल की दुकानें थे जो नहीं हटा रहे थे उन पर जुर्माना भी किया गया और उनके अतिक्रमण वाले शेड इत्यादि हटा दिए गए।